जामिया के पूर्व छात्र ने लिखी अनोखी इनक्रिप्टेड बुक दुनिया ने माना लोहा 3 करोड़ के निवेश के ऑफर। अक्सर जब कोई खिताब लिखता है तो उसे लेकर पब्लिशर के पास जाता है। कंटेंट स्कैनिंग और एडिटिंग के बाद वो छपकर आती है, फिर प्रचार प्रसार के जरिए पाठकों तक पहुंचती है। अगर नामी लेखक है तो किताब को बेचना आसान होता है, लेकिन अगर नए लेखक है तो इसमें और भी मुश्किलें आती हैं। लेकिन प्रयागराज के इस 22 साल के युवा की पूरी कहानी ही अलग है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में सिर्फ 10वीं पास यासीन अम्मार, जिसने भाषाओं की परिधि से बाहर जाकर किताब लिखी जो रातों रात इतनी हिट हो गई कि वो दुनिया की टॉप लाइब्रेरी में जगह पा चुकी है। यही नहीं, किताब में निवेश के लिए अभी तक 3 करोड़ के ऑफर भी अम्मार को मिल चुके हैं। आज तक .in से बातचीत में अम्मार ने बताया कि उन्होंने इनक्रिप्टेड कोड में ये किताब लिखी है। मैंने लॉकडाउन के दौर में खेल खेल में ये किताब लिखी थी। साल 2020 के अंत में इसकी सिर्फ 200 प्रतियां छपवाई थी। ये बिना प्रकाशक की कैटेगरी में छपी थी, लेकिन इसे दुनिया के तमाम कोनों में रहने वाले लोग पसंद कर रहे हैं। अम्मार बताते हैं कि वो इलाहाबाद यानी प्रयागराज के सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता मोहम्मद यासीन बिजनेसमैन है, वहीं माँ परवीन गवर्नमेंट टीचर है। उन्होंने 10वीं की पढ़ाई एयरफोर्स स्कूल प्रयागराज से की और दिल्ली आ गए। अम्मार कहते हैं कि मैं पढ़ाई में एवरेज छात्र था, लेकिन टेक्नोलॉजी से बहुत लगाव था। उन्होंने दिल्ली आकर पता किया कि जामिया से 10वीं पास के लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए क्राइटेरिया होता है। यहाँ जामिया से मैंने डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया था। फिर कोविड के टाइम में अपने हिसाब से सब कुछ न कुछ कर रहे थे। मैंने भी मार्स कोड लैंग्वेज सीखी, पर मेरा इंटरेस्ट हैकिंग पर था। हैकिंग का ही एक कॉन्सेप्ट था जिसे मैंने स्टोरी के फॉर्म में द सॉल्टेड टाइटल से लिखा, लेकिन ये किताब मार्स कोड में लिखी जो कि बहुत खास था। वो बताते हैं कि मार्स कोड बहुत पुराना है, लगभग 1800 ईस्वी में इसकी व्युत्पत्ति हुई थी। मैंने ऑनलाइन इसे सीख कर 100 से ज्यादा पन्नों की बुक लिखी थी। इसका कॉपीराइट खरीदने का पहला ऑफर 3 लाख रुपए का आया, जिसके बाद मैंने सोचा कि किसी और को देने से अच्छा है कि खुद ही पब्लिश कराऊं। इसलिए इसमें कोई दूसरा नाम ही नहीं। आपको बता दें कि पुस्तक प्रकाशित कराने की एक कैटेगरी होती है जिसमें आप पब्लिशर्स के बिना पब्लिश कराते हैं। मैंने उसी कैटेगरी में इसे पब्लिश कराया। अम्मार कहते हैं कि फिर क्या, किताब छप कर आई तो मैंने दोस्तों के साथ मिलकर 200 कॉपी लॉन्च कर दी। मेरे लिए ये किताब से ज्यादा एक आर्ट थी जिसे मैंने सीख कर अपनी तरह से प्रस्तुत किया था। कुछ लोगों ने शुरुआती दौर में इसे खरीदा। इस बुक की कीमत छप कर 1080 रुपए थी, लेकिन मैंने 500 रुपए में बेचना शुरू किया था। कई लोगों ने इसे खरीदा और शुरुआती दिनों में करीब 80 कॉपी बिकी। फिर मैंने सोचा कि अपने आप में अलग तरह की किताब है, तो मैंने दुनिया के टॉप कॉलेजों को ईमेल करके इसे लाइब्रेरी में रखने की पेशकश की। द साल्टेड को मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, अलेक्जेंड्रिया विश्वविद्यालय, GMI और IIT दिल्ली जैसे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में जगह मिली। किताब वहाँ से दुनिया के तमाम देशों में मार्स कोड लवर रीडर्स के हाथों में लगने लगी। अब तक इसमें निवेश के लिए 3 करोड़ रुपए के ऑफर मिल चुके हैं। अम्मार ने बताया कि उन्होंने फिनटेक स्टार्टअप सोपे की स्थापना की थी। अब अम्मार पाठकों और लेखकों के समुदाय में ब्लॉकचेन का लाभ उठाना चाहते हैं। वो एक ऐसी मेटावर्स लाइब्रेरी, एक पब्लिशिंग हाउस और एक डिजिटल आर्काइव को मिलाकर एक प्लेटफॉर्म विकसित कर रहे हैं। अम्मार कहते हैं कि इससे लेखकों और पाठकों को अपने काम को पहले से कहीं ज्यादा आसान बनाने में मदद मिलेगी। लोगों को फिर कभी चोरी और प्लेगरिज्म के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। कुछ भी नष्ट या छेड़छाड़ नहीं किया जा सकेगा। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि देश विदेश से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।